हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज लेके आए हम बजाज चेतक। ये बजाज चेतक हो गई है पूरी डेड। ये देखिए, रिमोट से भी काम नहीं कर रही है। तो इसे हम स्टार्ट करेंगे, टोटली डेड है ये। बता देते आपको, ये उसका बटन दबा के, ये देखिए बटन से भी स्टार्ट नहीं हो रही है और ना ही इसकी डिक्की खुल रही है। देखिए डिक्की भी नहीं खुल रही है, सीट भी नहीं खुल रही है और डिक्की भी नहीं खुल रही है, दोनों भी नहीं खुल रही है। देखिए मीटर में भी कुछ मूवमेंट नहीं है, कोई लाइट नहीं है। इसे हम स्टार्ट करेंगे घर पे ही और आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे आप अपनी डेट चेतक को स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए दूसरा रिमोट है इसका, इसका दूसरा रिमोट भी काम नहीं कर रहा है। तो ये बताते हैं, ये मैटिन आपको इसे निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले इसमें होता है लॉक, अपने स्क्रू ड्राइवर की वजह से इसे खोल सकते हैं। चलिए आपको बता देते हैं, पहले सिंपली आपको क्या है, इसमें स्क्रू ड्राइवर करके से पुल करना है, उसके लॉक जो है कि निकल जाएंगे इस तरह से। आपको पूरे लॉक जो है निकाल लेना है। ध्यान में थोड़ा आराम से निकालना है कि मैटिंग ना खराब हो। खुल जा, हाँ ये भी निकल गया है, बीच के निकाल लेते हैं। ये निकाल लेते हैं इससे, इसे कर देते हैं साइड में। यहाँ पीछे में आपको ये बॉक्स नज़र आ रहा है, इसमें है हमारी बैटरी और फ्यूज़। तो हमें पहले इसे खोल लेना है, इसे चार स्क्रू है, पहले निकाल लेना है चारों स्क्रू को। ये निकाल लेते हैं, पहले से खोल लेते हैं फिर बताते हैं आपको। तो ये हमने चार स्क्रू जो है एक एक करके खोल लेना है। ये भी खोल लेते हैं, थोड़ा जाम है पर कोई नहीं, खुल जाएगा, खुल गया है। आप तब कर सकते हैं जब आपके सर्विस सेंटर वाले आपकी गाड़ी लेने नहीं आए, क्योंकि ये गाड़ी के सर्विस सेंटर वालों को हम चार दिन से बुला रहे थे पर ये आए नहीं, इसलिए हमने सोचा इसे घर पे ही खोल लेते हैं। और हमने घर पे खोल के इसे रिपेयर कर लिया है। ज़्यादा बहुत ही माइनर इशू की वजह से पूरी गाड़ी डेड हो गई है, मतलब कुछ भी वर्क नहीं कर रही है। इसके दो रीज़न हो सकते हैं तो आपको बता देते हैं। सबसे पहले हम आपको ये जो प्लेट है इसको बाहर निकाल लेना है, थोड़ा स्क्रू ड्राइवर के या कुछ दूसरे टूल्स की हेल्प से हमें सब बाहर निकाल लेना है। इसमें आपको दिखेंगे बैटरी, ये है, ये बाइक की जो बैटरी है वो बैटरी नहीं है, ये वो बैटरी है जो आपकी स्टार्ट लाइट वगैरह जो जिस पे यूज़ होती है डिक्की, ये वो बैटरी है। और इसमें दिया हुआ है एक फ्यूज़, तो सबसे पहले आपको ये फ्यूज़ निकाल के चेक कर लेना है कि कहीं फ्यूज़ तो शॉर्ट नहीं है। अगर ये फ्यूज़ शॉर्ट होता है तब भी आपकी गाड़ी पूरी डेड जैसी हो जाएंगी, मतलब कुछ वर्क भी नहीं करेंगी। तो इसका फ्यूज़ तो हमने देख लिया है, फ्यूज़ इसका प्रॉपर है, फ्यूज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें एक एक्स्ट्रा फ्यूज़ भी आता है, अगर आपका फ्यूज़ बंद हो जाता है तो आप ये दूसरा इसमें लगा सकते हैं। फिर भी हम एक बार इसमें दूसरा जो है फ्यूज़ लगा के चेक कर लेते हैं ताकि समझ में आ जाए फ्यूज़ का प्रॉब्लम है या फिर बैटरी का है। ये हम ये वाला फ्यूज़ इसमें लगा देते हैं और एक बार फिर से ट्राई करते हैं रिमोट से, तो ये वर्किंग करती है या नहीं।
ये फ्यूज तो लग गया अच्छे से, ये नहीं, ये फिर भी वर्क नहीं कर रही है, इसका मतलब हमें बैटरी चेक करना पड़ेगा। इसे लगा देते हैं रिटर्न, इसे भी लगा देते हैं रिटर्न, और अभी खोल लेते हैं बैटरी। बैटरी के लिए आपको जो ऊपर दो नट दिए हुए हैं ये खोलना है, दो मिनट ये पहले इसको खोल लेते हैं, अपन बैटरी निकाल लेंगे बाहर, उसके बाद बैटरी को करेंगे टेस्ट, क्या प्रॉब्लम क्या है। बैटरी को खोली है, एक स्क्रू खुल गया हमारा, ये दूसरा स्क्रू खोल लेते हैं, खुल गया हमारा दूसरा स्क्रू, निकाल लेंगे हम बैटरी बाहर। और बैटरी चेक करने का भी इजी तरीका आपको बता देंगे, क्या बैटरी कैसे चेक कर सकते हैं। निकाल लेते हैं ऊपर का, इसके बाद निकालेंगे हम बैटरी, तरह से आपको बैटरी ऊपर खींचना है, थोड़ी प्रॉब्लम जाएगी और बैटरी आपकी बाहर आ जाएंगे, थोड़ा वायर सरकाना पड़ेगा आपको। निकल गया, दो मिनट से आपको बैटरी को जो है सीधा सीधा बाहर निकालना है, थोड़ी भी टेढ़ी होंगी तो ये बैटरी आपकी बाहर नहीं निकल पाएंगी। अभी इसके दोनों वायर जो है हम खोल लेते हैं, प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट, उसके बाद हम बैटरी चेक करेंगे। ये सारा काम आपका एक ही स्क्रू ड्राइवर से हो जाएगा, बाकी आपको एक्स्ट्रा कोई टूल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आप एक स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से आप ये गाड़ी है स्टार्ट कर सकते हैं। अगर इसमें बैटरी का प्रॉब्लम या फ्यूज़ का प्रॉब्लम है तो, अगर कोई अदर प्रॉब्लम है तो उसके लिए आपको सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा, वो लोग करके देंगे। तो इमरजेंसी में आप पहले ये प्राइमरी आप चेक कर सकते हैं, हमने निकाल लिया इसका टर्मिनल, बैटरी करते साइड, बैटरी करेंगे हम चेक। इसके लिए आपको एक छोटा सा वायर का टुकड़ा चाहिए जो माइनस टर्मिनल से प्लस टर्मिनल तक पहुंचता हो, ये ले लिया हमने एक वायर, सिंपली आपको इसे लगा के चेक करना है। अगर इसमें स्पार्क होता है तो आपकी बैटरी बराबर है, ठीक है, और इसमें अगर स्पार्क नहीं होता है, कुछ भी मूवमेंट नहीं होती है, तो समझ लेना आपकी बैटरी जो है पूरी डेड हो गई है या डाउन हो गई है। इसमें दो ही ऑप्शन है, अगर आपकी बैटरी चार्ज होती है तो आप इसे चार्ज करके आपकी चेतक को फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये हमने इसे पहले चार्ज करके देखा है तो हमारी बैटरी चार्ज हो गई है। अगर आपकी बैटरी चार्ज नहीं हो रही है तो आपको बैटरी चेंज करनी पड़ेगी। हमने अभी बैटरी को चार्ज करके लेके आए हैं, अभी लगाते हैं इसके टर्मिनल लगा के इसको चेक करके आपको बता देते हैं। पहले लगा देंगे इसका माइनस पॉइंट, ये लगा देंगे इसका कवर, उसके बाद लगाएंगे प्लस पॉइंट, ये लगा के फिर आपको चेक करके बताएंगे। गाड़ी स्टार्ट होती है कि नहीं, उसके बाद ये इसका लगा देंगे करके, पहले आपको चेक करवा देते हैं।
ये स्विच जैसी बटन दबाया हमने तो स्क्रीन स्टार्ट हो गई है, गाड़ी स्टार्ट हो गई है। इसका मतलब हमारा जो बैटरी का प्रॉब्लम था, बट डिक्की भी चेक करा देते हैं। ये देखो सीट भी ओपन हो गई इसकी, डिक्की फ्रंट की डिक्की भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए ये भी डिक्की खुल रही है, अभी प्रॉपर वर्क कर रही है। तो फिर से आप बता देते हैं दो दोनों बार हमारी खुल गई है और गाड़ी भी हमारी स्टार्ट हो गई है। तो गाड़ी को रिवर्स फॉरवर्ड करके चला के भी आपको बता देंगे। पहले इसको लगा देते हैं प्रॉपर, इसको स्क्रू से टाइट कर देंगे, इसकी मैटिंग लगा के चला के आपको बता देंगे कि गाड़ी हमारी स्टार्ट हो गई है। और जो प्रॉब्लम था ये बैटरी का था, जिसकी वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी और ना ही डिक्की खुल रही थी, ना ही लाइट चालू हो रहे थे और ना ही रिमोट काम कर रहा था। जैसे हमने बैटरी चार्जिंग किया है तो ये टोटली फीचर इसके काम करने लग गए हैं, सभी प्रॉपर चल रहा है। तो ये बैटरी आप अपने घर पे ही चेंज कर सकते हैं, इसके लिए आपको ना सर्विस सेंटर वालों का वेट करना होगा ना कुछ, और ना इससे आपकी वारंटी कुछ ख़राब होंगी। तो इसको पहले इसका कवर भी लगा देते हैं। ये कवर हमने लगा दिए हैं, स्क्रू चारों लगा देते हैं। स्क्रू हमने लगा दिया है बराबर, बाकी तो भी लगा देते हैं। लगा दी इसके मैटिंग, इसे आपको पुश करना है तो ये भी आपकी फिक्स हो जाएंगी। ये थोड़ा हार्ड है तो आपको फुल फोर्स से इसे पुश करना पड़ेगा। ये तो लग गया है, लग गया। आपको गाड़ी चला के बता देते हैं। तो इसका लाइट हेडलाइट भी चालू हो गया है, थोड़ा टाइम लेंगे कुछ इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रक्शन पे आएंगे, इसकी होगी स्टार्ट। देखिए इस पर लाइट जो है ब्लिंक कर रही है हमारी बैटरी की, मतलब हमारी बैटरी ख़राब है, हमें बैटरी चेंज करना पड़ेगा। फिर डालते हैं ड्राइव मोड में, ड्राइव मोड में डाल के देखिए अभी ये चलना स्टार्ट हो गई है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना और अपने चेतक वाले फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर देना, ताकि उन्हें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़े तो उनके लिए इजी हो जाए। देखिए अभी तो चल रहा है सब बराबर, और जब तक हम बैटरी चेंज नहीं करेंगे हमारे जो ब्लिंक है ये बंद नहीं होगा। अभी ये रिमोट से भी काम करेंगे, देखिए लाइट भी ब्लिंक हो रही है इसकी रिमोट से। थैंक यू।